चार जगह आ सकता है सेंटर। अभी प्रिपरेशन चल रही है, अगर प्रिपरेशन चल रही है तो इसका मतलब पेपर होने वाला है आपका JLO का। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात, JLO का एग्जाम सेंटर कहाँ आ सकता है, तो ऑफिशियल चीज बताने वाला हूँ। न्यूज आई थी कल, वैसे मैं वीडियो जिस दिन न्यूज आई है उस दिन ही बना रहा हूँ, बट ये आपको कल देखने को मिलेगा वीडियो। तो चार जगह आ सकता है सेंटर। अभी प्रिपरेशन चल रही है, अगर प्रिपरेशन चल रही है तो इसका मतलब पेपर होने वाला है आपका JLO का। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि पोस्टपोन हो जाएगा, अब चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से इनके साथ मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही ये न्यूज आ रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी होगी तभी ये न्यूज आई है। और उन्होंने अभी लास्ट टाइम नोटिफिकेशन भी निकाला है कि पांच ऑप्शन कर दिए गए हैं, पांचवा टाइम करना पड़ेगा। अगर आपने 10% से ज्यादा पेपर छोड़ दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और पांचवा ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, वो आपको फिल करना पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आपने ऑप्शन फिल नहीं करे। नहीं आता तो आपको वो अटेम्प्ट करना है फिफ्थ की, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, वो मैंने वीडियो में डिटेल में बता दिया। तो मैं आप सबसे पहले इस न्यूज को पढ़ के बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा और एग्जाम सेंटर कहाँ आ सकते हैं और आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, सारी चीज डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि जब तक ऑफिशियल चीज नहीं आई थी तब तक मैं आपको नहीं बताता। और वैसे ही मैंने बोला था आपको, जैसे कुछ होगा बता दूंगा। JLO का शायद पांचवा छठा वीडियो है, बच्चे भी सोचे होंगे सर, बट यार इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, आप लोगों के फायदे के लिए है। मेरा इसमें क्या है, मुझे तो पढ़ लिया पर आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। काफी ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट के, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। अगर न्यूज़पेपर रीड किया होगा तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। आज का न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर में ही आया ये। देखो आरपीएससी की साल फोटो लगा रहा हूँ, आप लोग देखो, आरपीएससी की साल की आखिरी परीक्षा अगले महीने। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक के शेड्यूल के अनुसार इस साल की आखिरी भर्ती परीक्षा जूनियर लीगल ऑफिसर अगले महीने 4-5 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसके बाद आयोग का इस साल परीक्षा कोई शेड्यूल नहीं है, आयोग फिलहाल इस परीक्षा के आयोजन की तैयारी में ही जुटा है। इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पेपर होने वाला है JLO का 4-5 नवंबर का। बिल्कुल मत सोचना आपकी पोस्टपोन होगा, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, आपका पेपर होने वाला है। अब 99% प्रूफ हो रहा है, क्योंकि ये अखबार वाले ऐसे नहीं छापते, वो बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं तब जाके छापते हैं सारी चीजें। इससे पहले आखिरी आखिरी अखिल परीक्षा RS की जो 2023 प्री का आयोजन 1 अक्टूबर को किया गया था, आयोग ने इस परीक्षा के, मतलब जो परीक्षा है ना, अजमेर के साथ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, मतलब JLO की परीक्षा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर, चार डिस्ट्रिक्ट में होगी और आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। और इस हिसाब से इन जिलों में तैयारी की जा रही है। आयोग के अधिकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल परीक्षा केंद्रों केंद्र का गठन की तैयारी की जा रही है। माना यही जा रहा है कि अगले सप्ताह के अंत तक परीक्षा केंद्र फाइनल हो जाएंगे। परीक्षा केंद्र जो स्कूल विस्कूल कॉलेज होते हैं वो फाइनल नहीं हुए, वो अगले हफ्ते तक हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ एडमिट कार्ड भी कब तक आएगा। तो उससे पहले ये समझो आपके चार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ JLO के पेपर में। अब आप जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो राजस्थान के हैं, वो तो पहुंच जाएंगे कहीं से भी जाए, बट जो अदर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, तो आप 3 तारीख का, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3 तारीख का टिकट करा ले जयपुर का, ठीक है? जयपुर आप कहीं से, अगर यूपी से आ रहे हो, वेस्ट बंगाल से आ रहे हो, तो आप जयपुर का करा लो। कोई महाराष्ट्र से भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं इसमें। 3 तारीख को आप जयपुर आ जाना, आपका सेंटर 3, अभी टिकट कराना चाहते हो तो, अगर आप एंड टाइम में तत्काल में करा सकते हो तो फिर अभी मत कराओ, तत्काल में महंगा होता है टिकट। अगर आप अगर सक्षम हो फाइनेंशियली तो एंड टाइम पे ही करा लेना। आपको मतलब एडमिट कार्ड 3 दिन पहले बदल जाएगा आपका, कौन सा सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट है, और 1 हफ्ते में सारा प्रोसेस हो जाएगा। इस महीने, मतलब इस महीने के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर क्या है। ये एडमिट कार्ड बिल्कुल एंड में निकालेंगे, क्योंकि RS का भी एंड में निकाला था, और इसका रीजन है जिससे चीटिंग वाले, जो चीटिंग करवाते हैं उनको सेंटर पता ना चले, बिल्कुल एंड मूवमेंट पे निकालते हैं। और हाउसिंग बोर्ड का भी बिल्कुल एंड मूवमेंट पे आया था, एडमिट कार्ड तो निकाल दिया था, सेंटर नहीं बताया था कि सेंटर का आएगा। तो 1-2 दिन पहले आपको पता जाएगा, डिस्ट्रिक्ट तो ये बता देंगे शायद 4-5 दिन पहले कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है आपकी और सेंटर क्या रहेगा। तो आप 3 तारीख का जयपुर में आ जाना, उसके वहां से आप जोधपुर भी जा सकते, उदयपुर भी जा सकते हो, अजमेर भी जा सकते हो। जयपुर से अजमेर तो 100 किलोमीटर ही है, उदयपुर ज्यादा दूर है,
400 करीब उदयपुर, बट बाई कार जाओ, अगर ट्रेन ट्रेन भी चलती है, अगर बस से जाओ तो 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। कार से तो पहुंच जाता है, मैं कार से बहुत बार गया हूँ, 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं। जोधपुर भी थोड़ा दूर है जयपुर से, ये उदयपुर और जोधपुर ही दूर है, बट हाँ ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जिनका सेंटर जहाँ आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर वालों का सेंटर तो इनको जयपुर में ही देना चाहिए, जिससे जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। बाकी आरपीएससी जो करेगा वो ठीक ही करेगा। तो ठीक है भाइयों, आपका सेंटर की बात भी क्लियर हो गई कि क्या आ रहा है, कहाँ आ सकता है, जा रहे अखबार में न्यूज आई है, आपने देख लिया। और जेएलओ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, अगर कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो या किसी चीज में समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखना, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा आधे से लोगों ने। और आरजेएस का तो अभी भूल जाओ, अभी स्टेनोग्राफर का पेपर है, आरजेएस का जो पूछते रहते हैं स्टेनोग्राफर का पेपर है, उसके बाद या तो ईडीजे या आरजेएस आएगी, इन दोनों में से एक परीक्षा होगी कोई ना कोई, एक टाइम पे एक ही परीक्षा कराता है राजस्थान अपना। और अभी राजस्थान में लीगल रिसर्चर की वैकेंसी आई है, मैंने वीडियो बना के बता दिया था, जो पढ़ना चाहे पढ़ दे, फ्रेशर की जॉब है, एक पोस्ट है, वो कल का वीडियो परसों का वीडियो देख लो, मैंने कब अपलोड किया था मुझे याद नहीं है, तो उसका भी आप देख सकते हो। सैलरी काफी अच्छी है, काफी अच्छी जॉब है लीगल रिसर्चर की राजस्थान में, और ऑनरेबल जज साहब के साथ काम करने को मिलता है, तो और क्या चाहिए आपको। वीडियो की चैनल की थोड़ी बात कर लेते हैं, चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, बताता हूँ। जैसे मैंने जेएलओ की सैलरी स्लिप बता रहे कि हर वीडियो में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको पता चले, जेएलओ की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, आरजेएस की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, और 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं आरजेएस पे, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब पे सिविल जज से बात करी है मैंने, फिर जाके उनसे फैसिलिटी पूछी है, प्रैक्टिकल चीजें पूछी कि क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपको वीडियो में मिल जाएगी। कहीं नहीं है ऐसे वीडियो, कोई आपके यूट्यूब चैनल पे किसी और के किसी ने नहीं डाले ऐसे वीडियो, तो एंजॉय करें इन वीडियो को भी, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी क्या करो, एक कमेंट करके जाया करो, अच्छा बुरा तो वैसे बहुत कम ही करते हैं लोग, सब अच्छे ही करते हैं, तो कमेंट करके भी जाया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आधे से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और AIB की डेट भी एक्सटेंड हो गई है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी एक्सटेंड हो गई है, AIB का जो एग्जाम था ना वो इसी कारण जेएलओ का पेपर पोस्टपोन हुआ था, AIB का कारण, तो पहले 28-29 को जेएलओ का पेपर हो रहा था अक्टूबर में, बाद में AIB का पेपर हो रहा था 29 अक्टूबर को, इसलिए आरपीएससी ने पेपर पोस्टपोन कर दिया थोड़े दिन के लिए, बट अब AIB ने पेपर पोस्टपोन कर दिया। अब ये हो रहा है AIB का पेपर, मैं आपको बता देता हूँ, ये नवंबर में हो रहा है, अब ये जैसे मैंने वीडियो बना के बता दिया था कितनी तारीख को हो रहा है, यह हो रहा है 26 नवंबर को हो रहा है, मतलब 26 नवंबर को हो रहा है AIB का पेपर। तो अब ठीक है, अगर ये पहले पोस्टपोन हो जाता तो जेएलओ का पेपर पोस्टपोन नहीं होने देता, काफी बच्चे को जो दिक्कत आ रही होगी, देखो तो अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, उन्होंने सोचा होगा पहले, फिर बाद में अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो सारी चीजें ठीक है, अगर पोस्टपोन नहीं करना तो पहले ही कर देते AIB वाले, तो आरपीएससी वाले जेएलओ का पेपर पोस्टपोन नहीं करते। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना।